नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगी टॉप 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो हम भारतीय होम रेमेडीज यानी कि घरेलू नुस्खे और एक्यूप्रेशर से उसे चुटकियों में ठीक करते हैं, जिसे हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही सीरियस बीमारी रहती है तभी हम जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करूंगी टॉप 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा गुणकारी साबित रहेगा। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको माइग्रेन की समस्या है या हमेशा सिरदर्द बना रहता है तो आपको कौन सा एक्यूप्रेशर ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, आपको अपनी हथेली के ये वाले पोर्शन पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है। इस तरीके से अगर आप डेली 5 मिनट सुबह में खाली पेट यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी सिरदर्द की समस्या है या माइग्रेन की समस्या है वो चुटकियों में ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपके बाल जो है एज से पहले ही ग्रे हो रहे हैं या मतलब वाइट हो रहे हैं तो आपको किस तरीके से इसको रोकना है, क्योंकि हर लड़की चाहती है, अब तो आजकल लड़के भी चाहते हैं कि उनके बाल हमेशा काले घने मजबूत रहें। तो अगर आपके बाल प्रीमेच्योर ग्रे हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा एक्यूप्रेशर आप ट्राई करेंगे, आपको अपने इंडेक्स फिंगर के सबसे नीचे वाले पोर्शन पर, ये वाला जो पोर्शन है, इस तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है। जितने एक्यूप्रेशर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर आप इसे खाली पेट करते हैं, सुबह के वक्त करते हैं, तो इसका असर जो है वो दुगना तिगुना हो जाता है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी कि अगर आपको हमेशा साइनस की समस्या रहती है तो आप किस तरीके से इसे ठीक पा सकते हैं, आप इसे कैसे रिकवरी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है, ये आपके रिंग फिंगर के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर, ठीक यहाँ इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपको पेट दर्द रहता है या पीरियड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा पेट दर्द रहता है या आपको ब्लॉटिंग की समस्या है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, ब्लॉटिंग की अगर आपको समस्या है तो आपको तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना चाहिए, और अगर आप पीरियड्स में हैं, मेरी प्यारी बहनें महिलाएँ, तो अगर आपको पीरियड्स की समस्या है, आपको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, तो आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं उसको। तो देखिए, ये जो लिटिल फिंगर है, इसका जो ऊपर वाला भाग है, आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रेस करना है। इस तरीके से अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको जब भी पीरियड्स आता है मंथ में, तो आपको पीसीओएस की समस्या या पीसीओडी की समस्या भी नहीं होगी, और अगर आपको पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स होता है, पेट दर्द रहता है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट एक्यूप्रेशर के बारे में, कि अगर आपको कभी भी घबराहट महसूस होती है, माइंड को आप शांत करना चाहते हैं, तो आप काम करना चाहते हैं, तो किस तरीके से अपने दिमाग को काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको गहरी सांस लेनी है, उसके बाद आपको इस एक्यूप्रेशर को ट्राई करना है। ये जो आपका मिडिल फिंगर है, इसका जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है ना, ये आपके माइंड से जुड़ा हुआ होता है, ये आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, और आपके जो डिफरेंट इमोशंस जो हैं, जो कि फ्लक्चुएट होते हैं, उसे बैलेंस करता है और आपको एक सुकून पहुँचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे तो हमारा जो इमोशंस, जो इम्बैलेंस होता है, वो कंट्रोल कर हो जाता है और हम बिल्कुल काम फील करते हैं, शांत महसूस करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा एक्यूप्रेशर शेयर करूँगी, साझा करूँगी। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने प्रियजन के साथ शेयर अवश्य करें। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।